तो गाइस जैसे कि आपको पता है जयपुर में रहने के लिए आपको होटल की जरूरत पड़ेगी और होटल हमने जो बुक कराया था वो था टीटी पैलेस और बहुत ही खूबसूरत सा पैलेस है ये। तो ये हमारे होटल का मेन एंट्रेंस था। देखिए इसमें भी इन्होंने पूरा प्रॉपर राजस्थानी टच दे के रखा हुआ है, लाइक छोटी छोटी फुलकारी सी, छोटे छोटे फूल पत्तियाँ बना के, जैसे कि टोटल राजस्थानी बना के रखते हैं। यहाँ पे आपको जो ड्रॉबैक मिलता है वो मिलते हैं ये मंकीज, जो चीज़ें गिराने में होशियार होते हैं और गिराते बहुत ज़्यादा हैं। और ये जिनका मेन एंट्रेंस था उस पर भी आप देख सकते हो गाइस कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे प्यारे इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। जो यहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने ये मेन एंट्रेंस बनवाया था तो ये जो पेंटिंग है महाराजा अकबर और जोधाबाई की, इस पेंटिंग को बनवाने के ही उन्हें टोटल 80,000 रुपीज़ सिर्फ इस अकेली पेंटिंग के उनको देने पड़ गए थे। लेकिन जब भी आप रिसेप्शन पे आएंगे ना, यू फील लव्ड, वार्म्ड एंड अ स्वीट टिंटेड फीलिंग ऑफ बीइंग अ राजस्थानी होटल। और गाइज अगर आप भी चाहते हैं राजा महाराजा वाला फील जो राजस्थान में होता था, तो ये रूम स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइन किया हुआ रूम है। आप अंदर से इसका देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंटीरियर ये देखिए, यहाँ पर किस तरह की गद्दियां लगाई गई हैं जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे होती थी। हाय गाइस, आज हमारा डे वन है जयपुर सिटी का। और डे वन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जयपुर सिटी जो है वो इंडिया की फर्स्ट प्लान्ड सिटी है, जिसे विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाया था। और ये जो सिटी है ये फेमस है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर को यहाँ के लोगों ने एज इट इज मेंटेन करके रखा है जैसे वो पहले था। ये जो वे है गाइज, ये ऑन द वे अरावली पर्वत है और ये हम जा रहे हैं नाहर सिंह फोर्ट और जय सिंह फोर्ट। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के बीच में और अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करके। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पर इस टाइम, और ये जयपुर शहर पूरा बसा हुआ पिंक सिटी के नाम से फेमस। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ कुछ पर्सन नाचते हुए अपनी ही मस्ती में। गाइज ये है नाहरगढ़ फोर्ट और ये बना था 1734 में और ये सबसे प्राउडली एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना था, ऐसा फोर्ट बना था जिसने अरावली हिल्स को फुल्ली कैप्चर कर लिया था। और ये इकलौता ऐसा फोर्ट था जयपुर का जिसमें राजा ने मतलब फोर्ट प्रोटेक्शन तो बनाई ही थी, मतलब लड़ाइयों से बचाव के टाइम की ड्यूरेशन बनाई थी, लेकिन इसमें साथ में इसने अंदर अपनी रानियों के लिए, पानी की स्टोरेज के लिए और अनाज की स्टोरेज के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई थी जो मतलब बहुत ही रेयर इन चांस देखने को मिलती हैं। तो आज हम इसी फोर्ट को सबसे पहले हम विज़िट करने जा रहे हैं और ये राजा जय सिंह टू ने बनाया था। फर्स्ट में बनाया था आमेर फोर्ट और जय सिंह जो दो थे उन्होंने बनाया था नाहरगढ़ फोर्ट, और इसको बाद में बिल्टअप किया था सवई राजा माधो सिंह ने। गाइज यहाँ से आगे जो पोर्शंस थे ये थे जिन्हें हम अगर हम हिस्टोरिकल लैंग्वेज में कहें तो इन्हें कहा जाता था रानियों के होजरे, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी रानियाँ हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट जिनको कक्ष कहते हैं, ये उस तरह के प्लेसेस होते हैं। ओके गाइज एक अच्छी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब माधव सिंह ने अपनी रानियों के लिए होजरे बनाए तो ये भी चाहते थे कि उनकी रानियाँ अपनी सिटी को देखें, तो वो सिटी को कैसे देखती होंगी आप एक बार खुद नजर डालें। जैसे हमें पता है कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, तो जब सवई राजा माधो सिंह ने इस फोर्ट को दोबारा से रीबिल्ड किया
तो उन्होंने क्या किया कि हर एक मंजिल पे एक चुबारा बनाया और उस चुबारे पे उन्होंने क्या किया कि एक इस तरह से मेंटेनेंस की कि पानी जो भी गिरे वो एक तो इस तरह से स्टोर हो, पानी इस तरह से जहाँ से भी आए स्टोर होता रहे, और उससे कि जो पानी की किल्लत होती थी एक तो वो भी दूर होती थी क्योंकि पानी सारा स्टोर होके बावड़ी में जाता था, दूसरी इनको लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि इन्होंने हर एक स्टोर पे एक ऐसे झालर बनाई हुई थी जिसे हम छज्जा कहते हैं, इससे भी पानी छन के नीचे जाता था और नीचे भी छोटे छोटे पैथ होल्स बना के उस पानी को हमने स्टोर करने का इन्होंने प्रोसेस बनाया हुआ था। और ऐसा ही मैन्युफैक्चरिंग आपको हर एक जगह पे दिखेगी, हर एक जगह पे आपको दिखेगा कि पानी जहाँ से भी बह रहा है पानी एक प्रॉपर अपनी जगह पे जाके सेफ हो जाए। और इन फ्लोर्स पे गाइस आवाज़ गूंजती है, इतनी अच्छी ठंडक है यहाँ पे, और कलाकारी तो आप देख ही सकते हैं, मतलब माशाल्लाह है। और जिस हिसाब से इन लोगों ने इसे स्टोर करके रखा है, मतलब 1718 के बाद से ये अनटच्ड है, सिर्फ इसके जो फ्लोर्स थे उन्हें ही बनाया गया है, चढ़ सके उतर सके। ज़्यादा इन्होंने ऐसे खुले स्टेयर्स नहीं बनाया क्योंकि इन्होंने स्पेस बचाया है अपने खुले छज्जों के लिए ताकि लाइट अच्छे से रूम्स तक पहुंच सके, रूम्स में अच्छी हवा हो सके, छोटे होजरे, बड़ी खिड़कियाँ, इन्होंने सब कुछ बनाया है। आपको एक और मैं एक बेस्ट चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो नाहरगढ़ फोर्ट था इसको पहले कहा जाता था सुदर्शनगढ़ फोर्ट। सुदर्शनगढ़ फोर्ट इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ दिखती थी कृष्ण की तरह सुदर्शन यानी कि विकराल दिखती थी यहाँ को। उसके बाद इस जगह का नाम हो गया नाहरगढ़। नाहरगढ़ का मतलब होता है शेरों का किला। ये देखिए, ये है जयपुर सिटी, पूरी की पूरी सिटी आपको एक नज़र में यहाँ से दिखती है। और जयपुर सिटी के पास मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है जो ना हो। अरावली हिल्स पे अपने 3 फोर्ट्स हैं, पर्सनल फोर्ट्स हैं, मतलब सोचिए कि यहाँ के राजा कितने ही ज़्यादा स्ट्रांग हुए होंगे कि इनके पास अपना सब कुछ था, पानी की स्टोरेज अपनी थी, पर्सनल हर एक अपनी यूनिक आइडेंटिफाइड रानी के लिए कमरे थे, उनके लिए पर्सनल छज्जे थे और पानी की स्टोरेज भी पर्सनल थी। आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इनके पास कितना कुछ अपना था, मतलब कितनी ही ज़्यादा ये रॉयल सिटी है, खुद ही एक बार सोच के देखिए। गाइज एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट या जयपुर का कोई भी फोर्ट देखने आ रहे हैं तो खुद का थोड़ा सा वेट लॉस कीजिए, क्योंकि अगर आप 80s और 90s प्लस हैं ना तो आप इन स्टेयर्स पे तो नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्टेयर्स हैं, एकदम संकरी सी सीढ़ियां हैं। बिकॉज और मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर पानी की स्टोरेज होती थी ये जो नाहरगढ़ फोर्ट में, वो पानी की जो उन्होंने इंटरनल सारी स्टोरेज रखी हुई थी वो देखिए इस तरह से पानी यहाँ से होता हुआ, उस टाइम यहाँ पे पतली पतली छन्नियाँ होती थी लगी हुई जिससे पानी फिल्टर होता था। अभी तो वो आपको पता ही है सरकारी काम कैसे होते हैं, तो उसके बाद ये पानी पहुंचता था यहाँ पे और यहाँ से आगे वो जाता था बावड़ी में, लेकिन वो पानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा फिल्टर हो चुका होता था कि आपको आगे जाके आरओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। टांकों का निर्माण करवाया जाता था, ये एक वर्गाकार टांका है, इसमें माधवेंद्र भवन एवं आसपास की पहाड़ियों से वर्षा का जल बहकर एकत्रित होता था। तो यही इस टांका की इन्फॉर्मेशन है, हम इसे स्टोरेज टैंक बोल सकते हैं जिसे हम टैंक बोलते हैं, अब पहले इसे टांका कहा जाता था। और ये है वो खूबसूरत सी बावड़ी, अब ये खूबसूरत नहीं रही है लेकिन कभी इस बावड़ी को खूबसूरत ही कहा जाता था गाइस, और ये अब भी उतनी ही खूबसूरत है, बस फर्क इतना है कि आने जाने वाले हमारे जैसे लोग इसे अब उतना साफ नहीं रखते हैं। पहले ये बावड़ी जो है ये रानियों के लिए एक प्राइवेट उनका स्नानागार हुआ करता था, जब पानी की कभी शॉर्टेज हो जाती थी तो ये उन्हीं लोगों के लिए पीने का पानी हुआ करता था, लेकिन ये पानी बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। अभी भी अगर आप देख सकें तो कोशिश करती हूँ आपको, ये हल्का सा पानी देखिए चलता हुआ सा महसूस होगा, बहुत ही खूबसूरत ये बावड़ी है गाइज़। आप कभी भी आए ना आपको ये बहुत पसंद आएगी, आपको ये बावड़ी में सच कहूँ तो जल महल से भी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जल महल के आसपास जितनी इस समय कूड़ा पड़ा हुआ है ना वो कूड़ा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। गाइस ये जो संदूक है ना ये राजा मान सिंह के समय का ही है, यानी कि 1978 का, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा तिजोरी है
सोचिए इसमें क्या क्या रखा जाता होगा। और ये भी देखिए कि कितना बड़ा ताला और कितनी बड़ी इसकी चाबी है। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि ये जो बग्घी है ये उसी समय की है, लेकिन कुछ इसी तरह की जो बग्घी हुआ करती थी, जो महाराजा हुआ करते थे उनकी, जो महारानी कैरी होती थी, इसी तरह की कुछ बग्घियाँ हुआ करती थी। ये तो एक रीबिल्ट और खुद बनाई गई है, लेकिन इसी तरह की हुआ करती थी। और वो हुआ करती थी प्योर शीशम की लकड़ी, जिस साथ हाथी घोड़े ऊंट किसी को भी आप कैच कर सकते थे। ये एक रीबिल्ट है, एक तरह से जिसे एग्जाम्पल कहा जाता है ये वो है। बनाया ये राजस्थानी कारीगरों ने ही है, लेकिन ये रीबिल्ट एग्जाम्पलाइड है। अभी हम हैं जयगढ़ फोर्ट में, और जयगढ़ को फोर्ट का जो न्यूएस्ट एक न्यूज़ है जिसके बिहाफ पे ज़्यादातर ये हाईलाइट हुआ था, वो ये था कि जब पद्मावती मूवी रिलीज़ हो रही थी तो उस टाइम एक स्टूडेंट, एक लोकलाइट को किसी को यहाँ पे लटका दिया गया था मार के। और जनरली जो जयगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री है वो ये है कि ये बना है अरावली पर्वत की टॉप हिल पे, और इस हिल को कहा जाता था ईगल आई, यानी कि बाज की आंख। इस जिस हिल पे ये जयगढ़ फोर्ट बना है, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से आप आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट दोनों फोर्ट्स को यहाँ से उन पे नज़र रखी जा सकती थी। यानी कि ये जो फोर्ट था ये मिडल ऑफ इन बोथ फोर्ट्स में बना था। गाइज, जयगढ़ फोर्ट जो था इसमें मेनली जो यहाँ के राजा थे जयसिंह टू, ये उन्हीं के नाम पे बना था। और इस फोर्ट की सिर्फ खासियत यही थी, एक तो ये कि ये आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट दोनों फोर्ट्स पे नज़र रखता था, दोनों के मिडल में था। प्लस यहाँ पे रखे जाते थे जितने हथियार युद्ध में इस्तेमाल होते थे वो। और गाइज, यहाँ पे इस समय जो जयसिंह फोर्ट की खासियत है वो ये है कि यहाँ पे जो 1700 ईस्वी में एक तोप बनी थी, जिस तोप को तकरीबन 30 हाथियों द्वारा खींचा जाता था, वो तोप यहाँ पे अभी भी मौजूद है और जिसको देखने हम आज जा रहे हैं। और एक चीज़ और है इस फोर्ट की खासियत कि यहाँ से एक सुरंग जाती है, जो सुरंग सीधे जाके आमेर फोर्ट में मिलती है। और उस सुरंग को तो वैसे हम देख सकते हैं, लेकिन जनरली वो बंद रहती है, आमेर फोर्ट की तरफ से वो खुलती है। तो पहले तो गाइज ऐसे होता था कि जयसिंह फोर्ट जो था, जो जयगढ़ था ये फोर्ट, ये जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी इस फोर्ट के लिए लगा दिए गए हैं चार्जेस। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी वाटर स्टोरेज के लिए उतनी ही चीज़ें कलेक्टिवली रखी जाती थी जितनी पहले हमने नाहरगढ़ फोर्ट में देखी हैं। और हॉन्टिंग के लिए कहा जाएगा इस, तो हॉन्टेड तो चलो यहाँ के हर एक फोर्ट हॉन्टेड है। रात के टाइम आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर एक फोर्ट हॉन्टेड मिलेगा। और फोर्ट्स की एक खासियत यहाँ पे ये रखी गई है गाइस, जयपुर नहीं पूरे राजस्थान में लोगों ने ये खासियत रखी हुई है कि इन्होंने सिर्फ जो इनके फर्श हैं ना, इन्हीं को रिनोवेट किया है। जो इनकी वॉल्स हैं, इनकी वॉल्स के पेंट हैं, इसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको इन्होंने रिनोवेट किया है। इसको इन्होंने एज इट इज़ रखा है, जस्ट दे ट्राइड टू मेक द बेस स्ट्रॉन्ग सो दैट वॉल्स विल स्टैंड स्ट्रॉन्गली। ये है जयवान तोप, ये है जयवान तोप, और इसे बनवाया गया था महाराज जयसिंह द्वितीय द्वारा। और ये बनी थी 20 फुट की ये तोप है, और इसे तकरीबन 30 हाथियों द्वारा खींचा जाता था। लेकिन गाइस ट्रेजेडी ये रही कि ये जो तोप है ना, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार इसकी टेस्टिंग के लिए हुआ था, उसके बाद इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो इसलिए कि ये फोर्ट इतना ऊंचाई पे था कि दुश्मन यहाँ तक पहुँचने से पहले ही थक जाते थे। तो ये कभी टेस्टिफाई तो नहीं हुई, एक बार टेस्ट हुई थी और हिट रही थी, लेकिन किसी भी युद्ध में ये यूज़ नहीं हुई है। बट ये अपने आप में एक अद्भुत कारीगरी है, क्योंकि ये पिछले 1700 में ये बनी थी, सन 1700 के आसपास, मतलब 1819 के आसपास बनी थी। तो अभी देख लीजिए 2020 ख़त्म होने को आ रहा है और ये वैसी की वैसी दिख रही है। आप चेक कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इसे। दिस इज़ कॉल्ड द इंडियन इंजीनियरिंग, जिसे आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता है,
ये उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अनरस्टेड आयरन जिसको कहते हैं, बिना जंग लगा हुआ आयरन। सोच सकते हैं कितनी भारी होगी। और गाइज ये है जयखड़ फोर्ट से आमेर फोर्ट का एक खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखिए, ये सामने दिख रही है आपको केसर बाग के साथ झरना झील, जो पानी नदी अपनी बारिश के पानी की स्टोरेज है। और ये ऊपर जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये है आमेर फोर्ट।